आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बीमारी हमेशा आपके सामने आती है। जब आप कोई काम करने जाते हैं या कुछ ऐसा रिस्क लेने जाते हैं तो आपके मन में एक ही बात निकल के आती है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, ये लोग क्या कहेंगे एक ऐसी बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान अपनी लाइफ में हमेशा अपने साथ लगा के चलता है, और हर बार जब भी वो कुछ नई चीज स्टार्ट करता है या नया कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके मन में सिर्फ एक ही वर्ड आता है कि लोग क्या कहेंगे। और ये उस काम को करने के समय तो होता ही है, बट उससे ज्यादा फर्क पड़ता है जब इस काम में मैं फेल हो गया। आज की डेट में बहुत से लोग YouTube पे वीडियोस बना रहे हैं, Facebook पे वीडियोस बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस काम को शुरू से ही करना चाहते थे, लेकिन उनके मन में एक चीज आई थी कि यार अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, कॉमेडी वीडियो, या मैं लड़की बन के वीडियो बनाऊंगा, या फिर कुछ ऐसी हरकत करूंगा जो कि शायद से हमारे समाज में या मेरे रिश्तेदारों में हजम नहीं होगी, तो यार मेरे को नहीं करना चाहिए, तो उससे लोग क्या कहेंगे, वो मन में एक चीज चलती रहती थी। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं कि ये लोग क्या कहेंगे के दर्द से, इस बीमारी से बचने के बहुत बड़े उपाय हैं। आपको यहां पे ये समझना है, और ये 8 उपाय आपकी जिंदगी को पूरा चेंज कर दें। कभी परवाह नहीं करोगे लोगों की, जब जो आए का मन में करते चले जाओगे। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले आइंस्टाइन, मार्क जुकरबर्ग, आपका स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और अपने मन में एक सेकंड भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। और वो लोग हमेशा सक्सेसफुल हो जाते हैं जो ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। इस बीमारी से बचना आपको जरूर पड़ेगा। आज आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, लेकिन ये बीमारी हर घर में पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। 8 उपाय बता रहा हूं, आज से ही अपना लेना। चाहे किसी भी तरीके की शर्म आपके अंदर होगी ना, सारी निकल के बाहर आ जाएगी। और ये शर्म मेरे अंदर भी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होती थी, लेकिन जब मैंने इन 8 उपायों को अपनी लाइफ में लेके आया, सब खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। 1% का मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला रीजन, पॉजिटिव सोचो। सबसे पहली चीज है, अपने आप, कोई भी आपने प्लान किया हो, बिजनेस प्लान किया हो, कोई जॉब प्लान किया हो, कुछ भी प्लान किया हो, बस ये सोचना कि भाई इसमें सक्सेस होऊंगा। बस उसके पॉजिटिव इंपैक्ट को सोचो कि जब मैं इसमें सक्सेस मिल जाएगी या सफल हो जाऊंगा तो उस समय लोग किस तरीके से मुझे देखेंगे। अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे कि मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो आप हमेशा फेल ही होते रहेंगे और आपके मन में ये डर बना रहेगा। दूसरा पॉइंट, मुझे 1% का फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब मैं ट्राई कर रहा हूं तो मैं अपने साथ हूं, ना कि लोग। हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि लोग अगर आप अच्छा भी कर लोगे तब भी कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे कि यार इससे अच्छा और भी कुछ कर सकता था, या इससे बहुत अच्छा काम कर सकता था। तीसरा पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है कि अपने ऊपर बिलीव रखना है। बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी लाइफ में सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, इस तरीके की वीडियो बनानी है, IAS का एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कि मेरी औकात नहीं है IAS की पढ़ाई करने तक की, लेकिन मैं IAS बनना चाहता हूं, तो आप बस अपने ऊपर बिलीव रखिए, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। 2025 तक 5 लोगों को मुझे स्पीच देनी है, मेरा बिलीव है, और मैं करके दिखाऊंगा ऐसा। दोस्तों, जब शुरू में मैंने अपनी वीडियो के लिंक भेजे थे लोगों को, तो बहुत लोगों ने सार्केस्टिक वे में मेरे को बच्चे की तरीके से ट्रीट किया कि यार ये बच्चा है क्या, तो ये वीडियोस बना रहा है। लेकिन उस चीज को मैंने छोड़ा नहीं, और ऐसा नहीं कि मैं आज बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गया हूं, नहीं, आज भी मैं एक अच्छे यूट्यूबर की नोक के बराबर भी नहीं हूँ, एक नाखून के बराबर, सॉरी। लेकिन मुझे पता है कि मैं उनसे ऊपर निकल सकता हूं, मैं अपने में बिलीव रखता हूं। 4th पॉइंट, नेगेटिव लोगों से दूरी आज से बना लो, चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे दोस्तों रिश्तेदारों, उन लोगों से दूरी बना लो। एटीट्यूड दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे ये होगा कि आप नेगेटिव लोगों से बचना स्टार्ट हो जाओगे। बहुत सारे लोग आपके लिए कुछ क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे फर्क नहीं पड़ता, बस आप नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। 5वां पॉइंट, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने बड़े टारगेट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और छोटे छोटे पार्ट्स को आगे आगे बढ़ाते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे, 6ठा पॉइंट, आप हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स को रात को लिखो, अगले दिन की प्लानिंग करो, अगले दिन शाम को अपना
अचीवमेंट लिखो क्या कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सातवां पॉइंट, लोग क्या कहेंगे। अगर आपको इस चीज की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, शर्म महसूस होती है, तो एक बार ऐसा काम करके जरूर देखिए जिससे कि आपके घर के परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को फर्क पड़े। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों को सिर्फ नेगेटिव आपको इन्फ्लुएंस करना आता है, ना कि पॉजिटिव। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्सिक्वेंस से डरना बंद करो। आपने ट्राई किया इतना ही काफी है, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता। बट कॉन्सिक्वेंस से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपने काम को पूरा टाइम दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझ लीजिए यहां पे ये है कि दोस्त, किसी भी गेम के अंदर असली विजेता वही होता है जो हारता है, क्योंकि उसको जीत की पूरी तरीके से अहमियत पता होती है। विनर तो वहां पे बाजीगर नहीं होता, विनर होता है आपका हारने वाला। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। विल चले यू पॉजिटिव, मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।